जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको गरीबी दिख रही होगी। आमतौर पर गरीबी के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, मजबूरी। मगर कुछ कर दिखाने का संकल्प हो तो मजबूरी को मजबूती में बदला जा सकता है। यही काम कर दिखाया है पवन कुमार ने। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले पवन ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। सबसे पहले पवन को सुनिए, फिर आपको उनके परिजनों की बातें भी सुनवाएंगे। 239 की रैंक प्राप्त की है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकंड मेंस था। इस प्रयास में मैंने 239 की रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है और मैं अपने दोस्तों और गुरुजनों का भी आभारी हूँ। और बाकी मैं जूनियर्स को या जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि यार एग्जाम टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी आप एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी महंगी कोचिंग। तो मैंने सेल्फ ही स्टडी की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। सिर्फ ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी, बाकी मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक दृष्टि कोचिंग है उसकी मेंटरशिप ज्वाइन की थी। तो मेरा मैसेज यही है कि भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का, जैसे इंटरनेट इतना पॉपुलर है ही, तो इंटरनेट पर काफ़ी सोर्सेज हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और अपनी मेहनत में ईमानदारी रखें, अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी रखें, परसीवरेंस रखें। एग्जाम टफ है, लेंदी प्रोसेस है, तो परसीवरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता और दोस्तों का सहयोग लेते रहें और उनकी हेल्प लेते रहें। सुमन जी, ये बताइए कि आपका बेटा जो है वो IAS बन गया। हाँ जी। और क्या महसूस आप कर रही हैं? बस ये कि महसूस क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जो आज यहाँ तक आए गए हम। आपके घर की कंडीशन कैसी है? मैं देख रहा हूँ कि इधर आपका छप्पड़ पड़ा हुआ है। हाँ, छप्पड़ पड़ा हुआ है, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। अभी आप चूल्हा चला रही थी माता जी? हाँ। तो क्यों, क्या वजह है कि आप चूल्हा चला रही हैं? घर में गैस नहीं है? गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। पैसे की वजह से गैस भी? हाँ। इतनी तंगी के हालात में आपके बेटे ने पढ़ाई की, कुछ बात बताइए किस तरीके से पढ़ते थे? वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और क्या किसान है आदमी है, हम क्या कर सके। बस इतनी हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। तो बारिश के मौसम में भी आप इसी छप्पड़ के नीचे? हाँ, इसी छप्पड़ के नीचे खाना बना रहे हैं। पवन भी यही पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या दिनचर्या थी पवन की, कुछ बताइए? क्या दिनचर्या थी, कैसे पढ़ते थे? बस ऐसे ही पढ़ते थे, का नाम है, अपने शांति माहौल में और अपनों शांति रखे घर में, वो पढ़ता रहता था। आपके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है? ना, कुछ नहीं है। तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल से ऐसे ही पढ़ाई करते। मुकेश जी, ये बताइए कि आपके बेटे ने जो है UPSC जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। जी। बड़ी बात यह है कि 239 में रैंक आई। क्या कहना आप चाहते हैं बेटा आपका IAS? उसकी मेहनत पढ़ाई लिखाई की और हमारे उसका सहयोग, परिश्रम करके उसको पैसा देना देने के और अपनी स्थिति के आधार के मुताबिक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहाँ तक पहुँचे लेके, उसकी मेहनत जैसे भी रिजल्ट आया वो सब आपके सामने आया। आप मजदूरी करते हैं, घर आपका है कि आपके यहाँ छप्पर है, किस किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की कुछ बताइए? बड़ी मेहनत मजदूरी करके, ना किसान ना मजदूर, जो दो चार बीघा वालों, ना किसान है ना मजदूर है। जैसे जैसे समय पड़ता रहे वैसे उस कहीं मेहनत करनी, कभी खेती में लगना, उसको हम पढ़ाई के लिए खर्चा पानी देते रहे। काफ़ी प्रयास के साथ साथ उसको हम पैसा दे के इकट्ठा करके उसको जो करते रहे खर्चा पानी और बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाया। मजदूरी करके आपने बच्चे को पढ़ाया? जी सर। मैं देख रहा हूँ कि आपका घर भी नहीं है ठीक से। हाँ, घर पे गौर नहीं करी हमने बच्चों को पढ़ाने की वजह से। कैसी पढ़ाई की उन्होंने? इस जब बारिश हुई तो पूरी पूरी रात लेकर जाई, हम एक जगह बैठ जाए सगरे परिवार के सुकर के,
मैंने कि बेटा देखियो हमारी क्या स्थिति है, बोले पापा नहीं मुझे पढ़ना है, ये सब बात की बात है, जो होगा स्थिति में पूरी पूरी रात लेकर जाए, हम एक जगह बैठ जाए, कहीं बैठने को जगह सोने को नहीं, भूखे प्यासे रह गए, उनको मेहनत मजदूरी करके हमने उनको पढ़ाया बच्चे को, यहाँ खुश हैं आज। बिल्कुल, परमात्मा ने बच्चे की और हमारी मेहनत और बस्ती की सबकी दुआ। गुल्डी, ये बताइए आपके जो भाई हैं वो आईएएस बन गए जी सर, उनके बारे में बताइए किस तरीके से वो पढ़ते थे, कैसा आप लोग अब महसूस कर रहे हैं? सर वो ऐसे ही है कि हम सब शांति माहौल में रहते थे, उसे शांति पसंद थी और हम उसने छप्पड़ में रह के पढ़ाई करी और कभी लाइट भी चली जाती थी तो वो डिविया से पढ़ता था, डिविया जला के। आपके पापा क्या मजदूरी करते हैं? जी सर मजदूरी करते हैं या फिर किसी की कोई काम मिल जाता तो उसे भी कर लेते, हम सब खेती बाड़ी यही करते सर। कोई बात बताइए आप अपने भाई के बारे में, किस तरीके से यहाँ पढ़ाई करते थे? जी सर आप देख रहे हो कि हमारे छप्पड़ पड़ा हुआ है और हमारे हमारे रहने के लिए घर भी नहीं है ढंग से, और बारिश बारिश आ जाती है तो हम सब एक खाट पे चारों पांचों सब बैठ जाते हैं, और कभी छप्पड़ भी टपकता है, छप्पड़ टपकता है तो हम सब बर्तन वर्तन रख के ऐसा मतलब सामान को बचाते हैं, और उस तरीके से उसने पढ़ाई की। ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई करते थे? सर बस उसकी मजबूरी थी कि हमारे पास घर नहीं था तो उसने उस माहौल में पढ़ाई की। मोबाइल की क्या बात थी, मोबाइल किस तरीके से? सर उसे मोबाइल की ज़रूरत थी, उसने पापा से बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए, पापा ने काफ़ी मेहनत की और हम सब ने भी मेहनत की फ़ोन दिलाने के लिए, और उसको काफ़ी मेहनत के साथ हमने पैसा कमाया फ़ोन के लिए और उसे फ़ोन दिलाया फिर।